सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं WhatsApp के न्यू फीचर्स के बारे में। WhatsApp आज दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है। पूरे वर्ल्ड में WhatsApp के 2 अरब से ज़्यादा यूज़र्स हैं। आप भी उनमें से एक होंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप WhatsApp के सारे फीचर्स के बारे में जानते हैं, तो हाँ बोलने से पहले एक बार आप ज़रूर सोचेंगे। आज हम आपको WhatsApp के 8 फीचर्स के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही जानते होंगे। मैसेज को बोल्ड इटैलिक के ज़रिए कैसे किया जाता है। मैसेज को कई बार आपके पास कई मैसेज आते हैं जिनके एक हिस्से को बोल्ड या हाईलाइट किया गया होता है, और कई बार मैसेज को इटैलिक लिखा गया होता है। तो आप भी ऐसे मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए मैसेज को टाइप करें और फिर उस पर थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखें। अब आपको कट, कॉपी, शेयर, बोल्ड और 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। 3 डॉट पर क्लिक करके आप मैसेज को अपने हिसाब से बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। दूसरा फीचर, मैसेज और वीडियो को भेजने से पहले WhatsApp में ही एडिट करें। इस फीचर्स के बारे में कई लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि वीडियो और फ़ोटो को किसी को भेजने से पहले आप उसे WhatsApp में ही एडिट कर सकते हैं। फ़ोटो सेंड करते समय आपको सबसे ऊपर दाहिनी ओर एडिट का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप फ़ोटो पर कुछ लिख सकते हैं और इमोजी को भी ऐड कर सकते हैं। 3rd फीचर है अलग अलग कलर्स की इमोजी। इमोजी तो आप WhatsApp पर लोगों को भेजते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही इमोजी 6 कलर्स में आप भेज सकते हैं। इसके लिए जिस इमोजी को भेजना चाहते हैं उस पर थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखें। अब आपको कई कलर्स में वही इमोजी दिखेगी, जिसमें से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। खुद को मैसेज भेजें। आप WhatsApp को नोटबुक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को मैसेज भेजना होगा। इसके लिए अपने किसी दोस्त के साथ एक WhatsApp ग्रुप बनाएं और फिर उसे ग्रुप से हटा दें। इस तरह उस ग्रुप में सिर्फ आप ही बच जाएंगे और ख़ुद को मैसेज कर पाएंगे। 5th फीचर, फ़ोटो और वीडियो को ऑटोमेटिक डाउनलोड होने से रोकें। फ़ोटो ऑटो डाउनलोड होने के कारण डाटा पैक भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और फ़ोन की मेमोरी भी भर जाती है। ऐसे में आप WhatsApp की सेटिंग में जाकर डाटा एंड स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करें और मीडिया ऑटो डाउनलोड को बंद कर दें। 6th फीचर है इसका चैट का ईमेल पर बैकअप। कई बार हम चाहते हैं कि किसी खास व्यक्ति से हुई चैटिंग को सेव करके रखा जाए। ऐसे में आप WhatsApp की बैकअप फीचर की हेल्प ले सकते हैं। बैकअप के लिए WhatsApp की सेटिंग में जाएं और चैट पर क्लिक करके चैट बैकअप पर क्लिक करें। वहां आपको ईमेल पर बैकअप का विकल्प मिलेगा। उसके बाद एक और फीचर है, ये है क्लियर चैट। अगर आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई है तो आप WhatsApp के चैट को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए जिस चैट को क्लियर करना है उस चैट में जाएं और ऊपर दाहिनी ओर दिख रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करें। अब आपको चैट क्लियर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार में कई सारे लोगों को एक ही मैसेज भेजें। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक साथ एक ही मैसेज को कई सारे लोगों को भेजना होता है, तो इसके लिए आप WhatsApp के ब्रॉडकास्ट फीचर की हेल्प ले सकते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने के लिए WhatsApp को खोलें और दाहिनी ओर दिख रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करें। न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करके लिस्ट बना लें। इस लिस्ट में आप जिसे चाहें जोड़ सकते हैं और फिर जब ज़रूरत हो तो एक बार में सबको मैसेज कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स थे WhatsApp के। 8 फीचर्स हमने आपको बताए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप कोई सुझाव, सजेशन देना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं
वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।